वोट डालने के लिए जरूर जाना है और उसके बाद ही फिर आपको अपना कोई जलपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। और मैं अपनी महिलाओं से भी ये अपील करना चाहती हूँ कि वोट वाले दिन आप अपने घर में कामकाज बाद में करेंगी, सबसे पहले अपने पुरुषों को साथ में लेकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए जरूर जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी हर पोलिंग बूथ की कमेटी को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके अपने पोलिंग बूथ का, हमारा कोई भी आपके अपने पोलिंग बूथ के क्षेत्र का हमारा कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए। एक एक वोट हमारा जरूर पड़ना चाहिए। और अब मैं पुनः अपने गठबंधन के इन सभी उम्मीदवारों को भारी वोटों के अंतर से जिताने की मैं अपील करती हूँ। और मैं गोरखपुर के लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि गोरखपुर सदर लोकसभा की सीट पर जब बाई इलेक्शन हुआ था तो हमने गठबंधन के तहत, उस समय हालांकि बीएसपी खुलकर नहीं आई थी, लेकिन हमने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया था। और समर्थन देने के बाद तो फिर यहाँ से बाई इलेक्शन में तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया था और योगी की ये सीट उनके हाथ से निकल गई थी। ये भी आप लोगों को मालूम है, वो तो बाई इलेक्शन था, अभी तो जनरल इलेक्शन है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जितने वोटों के अंतर से आप लोगों ने बाई इलेक्शन में गोरखपुर सदर की सीट को जिताया है, उससे कई गुना ज्यादा वोटों के अंतर से अब आप लोग इसको जनरल लोकसभा के आम चुनाव में इस सीट को जिताना है। आपके बगल में जो रिजर्व सीट है बांसगांव, श्री सदल प्रसाद बहुत ही मिशनरी मिलनसार इनका व्यक्तित्व है, इनको भी आप लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। बाकी महाराजगंज, कुशीनगर, इन सभी उम्मीदवारों को आप लोग कामयाब बनाएंगे, इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर पार्लियामेंट में जिताकर भेजेंगे। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। और फिर आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत।